नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स यानी घो। ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, टॉलस्टॉय का। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किया था ट्रस्टकी ने। ऑप्शन नंबर सी यानी घो सही है। लेनी की मृत्यु कब हुई? लेनी की मृत्यु हुआ था 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। रानीगंज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? रानीगंज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। ऑप्शन नंबर खो सही है, कोयला। सरकार ने किस वर्ष राजस्व आयोग नियुक्त किया? तो 1921 ईस्वी में राजस्व नियुक्त आयोग किया। 1930 ईस्वी के दशक में उद्योग की स्थापना हुई, तो सीमेंट सीसा यानी ए को और खो यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, सीमेंट और सीसा। भारत में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुआ 1895 या 1894 में। आप याद रखिएगा 1894 या 95। भारत में इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई? भारत में इंडियन बैंक की स्थापना हुई 1907 ईस्वी में। भारत में इंडियन बैंक की स्थापना हुई। औद्योगिकरण का परिणाम है नगर विकास, कुटीर उद्योग, साम्राज्यवाद विकास, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, डिगबोई। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर बी यानी खो सही है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर सी यानी घो बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है तो बरौनी। ऑप्शन नंबर खो सही है, बरौनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है आपका जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, झारखंड में पड़ता है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर गिरी, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी तारापुर। ऑप्शन नंबर को सही है। भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर को यानी 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी से खिलाफत दिवस मनाया जा रहा है। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। डांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई? डांडी यात्रा की शुरुआत हुई 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। रानी लियू ने निम्न में कहां से आंदोलन का नेतृत्व किया? तो नागालैंड से। ऑप्शन नंबर खो सही है। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना किसने की? खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना किसने की? तो खान अब्दुल गाफर खान ने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना किया था। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैक्स का मता अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का बीच व्यापार होता था? रेशम मार्ग। ऑप्शन नंबर बी सही है। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति थी औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर बी सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर बी सही है। औद्योगिक नीति की घोषणा कब जारी हुआ था?
तो जुलाई 1980 में ऑप्शन नंबर ए सही है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को, ऑप्शन नंबर ए सही है। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध था ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी सही है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए साहित्य एवं विज्ञान का प्रेरणा का स्रोत रहा है यूनान देश, ऑप्शन नंबर बी सही है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यूरोप। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि में तो राजस्थान बड़ा है। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन आइंस्टीन। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। दक्षिण भारत की लंबी नदी गोदावरी। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। भारत की सबसे ऊंचा झरना या चौड़ा में जोग या गरतप्पा। बड़ी झील बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ताजे मीठे जल की बड़ी झील बुलर झील। खड़े जल की बड़ी तटीय झील चिल्का झील। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों जो जिस समय का प्रधानमंत्री रहेगा वही उस समय का योजना आयोग का अध्यक्ष होंगे। जैसा कि अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है तो योजना आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो इनमें सभी हो जाएगा, कोयला पेट्रोलियम विद्युत, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो इसमें हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर डी सही है, बिहार। योजना आयोग को भांग कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को भांग करके नीति आयोग बना, ऑप्शन नंबर ए सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन नंबर ए सही है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है मोहम्मद इकबाल यूनिस, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? यानी नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन नंबर ए सही है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है उद्योग को, और प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि को। भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है जनसंख्या? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 121.02 करोड़। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1966 में, और हरित क्रांति किससे है? संबंधित गेहूं उत्पादन से। बिहार संपन्न है, बिहार संपन्न है कृषि में, ऑप्शन नंबर सी सही है। चावल है, चावल क्या है? खरीफ फसल, ऑप्शन नंबर ए सही है। काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी उपयुक्त है कपास की खेती के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी सही है। दूध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? दूध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी सही है। इनमें से कौन रबी फसल है? इनमें से कौन रबी फसल है? तो गेहूं रबी फसल है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? तो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए सही है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुई? तो 1907 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही है। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था
जॉर्ज स्टीफेंस ने, ऑप्शन नंबर सी सही है। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी 1854 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग, ऑप्शन नंबर सी सही है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी सही है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी सही है। मेढक में प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक में प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है एड्रिन, ऑप्शन नंबर सी सही है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक विस्तार जलोर मिट्टी की है, ऑप्शन नंबर ए सही है। पुरानी जलोर मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोर मिट्टी को बांगर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, बांगर। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1914 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी सही है। बांग्लादेश का उदय हुआ था, बांग्लादेश का उदय हुआ था 1971 ईस्वी में, यानी बांग्लादेश का स्वतंत्र हुआ और उसका अलग अलग देश कब बना? 1971 ईस्वी में। नेपोलियन बोनापार्ट संबंधित है, नेपोलियन बोनापार्ट संबंधित है किससे? फ्रांस से, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत किस वर्ष में यूएनओ का सदस्य बना? भारत किस वर्ष में यूएनओ का सदस्य बना? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1945 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, हैंग में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है कोलकाता में, ऑप्शन बी सही है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, ऑप्शन बी सही है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही है। भारत में पहली बार जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल किए जाने लगा? यानी भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना कब से करने लगा? तो 1881 ईस्वी से, ऑप्शन बी सही है। बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1973 में, ऑप्शन बी सही है। भारत की जनसंख्या के इतिहास में जनसंख्यिकीय विभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1921 को, ऑप्शन ए सही है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सही है। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? कपास के लिए, ऑप्शन बी सही है। रेगुर नाम है काली मिट्टी का दूसरा नाम। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। रेगुर नाम है काली मिट्टी का दूसरा नाम। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है? भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है नहर, ऑप्शन ए सही है, नहर। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल है चावल, ऑप्शन सी सही है। निम्न में कौन सी एक रबी की फसल है? रबी की फसल है रजाई के अंदर में जब रहते हैं उस समय जो होता है, तो चना दाल गेहूं। निम्नलिखित में कौन सी एक नगदी फसल है? नगदी फसल है तंबाकू। दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। एक बटे भी प्लस वन बटे यू बराबर वन बाय एफ। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की
किरण गमन करती है सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर ए सही है सीधी रेखा में। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो दो, ऑप्शन नंबर बी सही है। पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है, पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है पत्ता। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है साफ जल में। शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है लिम्फोसाइट। अमीमा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है, अमीमा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है, तो कूटपात, ऑप्शन नंबर सी सही है। कूटपात किसमें पाया जाता है, कूटपात किसमें पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है अमीमा में कूटपात पाया जाता है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी सही है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो बायोगैस, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो बायोमास, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, तो प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर सी सही है। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है थायराइड ग्रंथि। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए सही है वृद्धि हार्मोन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। स्वामी दयानंद ने किसके प्रचार में अपना जीवन समर्पित किया, तो वैदिक धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित किया। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई, संस्कृत भाषा के माध्यम से हुई। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, मूला शंकर, ऑप्शन नंबर सी। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की, स्वामी दयानंद ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। हीराकुंड बांध कहाँ है, हीराकुंड बांध कहाँ है, तो उड़ीसा में, हीराकुंड बांध कहाँ है, उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर डी सही है। सुंदरवन, सुंदरवन कहाँ है, तो सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है, किस राज्य में वनों का अधिक विस्तार है, तो मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था 10 मई को, ऑप्शन नंबर ए सही है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है डांडी किस राज्य में स्थित है, डांडी किस राज्य में स्थित है, डांडी गुजरात में स्थित है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया, 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ, बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में शुरू हुआ, 1917 ईस्वी में।
पूना समझौता किस वर्ष आरंभ हुआ? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 में पूना समझौता हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुआ है 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, 1956 ईस्वी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में किया गया था। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति का प्रमुख होता है पंचायत प्रमुख। ऑप्शन नंबर डी सही है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, राजस्थान में। मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एड्रीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एड्रीन। अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्गों में बांटा गया है। काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोग होती है? काली मृदा कपास फसल के लिए अधिक उपयोग होती है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो सबसे अधिक जंगल झाड़ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही है। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो घड़ियाल। ऑप्शन नंबर ए सही है, घड़ियाल। टैक्सोल का उपयोग होता है? टैक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। चरक का संबंध किस देश से है? चरक का संबंध है भारत से। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन 1969 ईस्वी में हुआ। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी से संबंधित है। 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी से संबंधित है। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम। भारत में वित्तीय वर्ष होता है? भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में कुल कितने राज्य है? 28 राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। ऑप्शन नंबर बी सही है। जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है? जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है तो जीन। ऑप्शन नंबर ए सही है, जीन। पुरुष जीन संगठन होता है? पुरुष जीन संगठन होता है एक्स वाई। ऑप्शन नंबर बी। मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़ी। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। जीन अवस्थित होते हैं? जीन अवस्थित होते हैं केंद्रक में। ऑप्शन नंबर बी। अनुवांशिकता का जनक है? अनुवांशिकता का जनक है मेंडल। ऑप्शन नंबर डी। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है तो जमालपुर में। ऑप्शन नंबर को यानी ए जमालपुर में स्थित है। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? खाद कारखाना कहाँ स्थित है तो बरौनी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस नगर में कलीन तैयार होता है तो ओबड़ा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है तो समस्तीपुर में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली रेल लाइन थी? बिहार की पहली रेल लाइन थी तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन
1969 ईस्वी में हुआ। बीस सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? बीस सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी से संबंधित है। बीस सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी से संबंधित है। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। अगला प्रश्न है, 1 कूलम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 6.25×10⁻¹⁸। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, समांतर क्रम में। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, 1 एम्पियर कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है तो 2 कूलम 1 प्रति सेकेंड।